हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने के लिए, एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बताया जाता है और उससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर लास्ट में, अंत में, वीडियो के अंत में बहुत सारे सेंटेंसेस होम प्रैक्टिस के लिए भी, यानी कि घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाता है। और फिर उन सारे हिंदी सेंटेंसेस का आंसर अगले क्लास में भी बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जिस वे से मैं टीचिंग कर रहा हूँ आपको, वो उस वे को अपनाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लासेज में दिए गए हिंदी सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो टैली कर लीजिए और जहां पर भी गलतियां हैं उसको आप सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप जब तक इस वे को नहीं अपनाएंगे, मीन्स इस तरीके से आप सीखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक सीखना मुश्किल होता है। रोज एक स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, मीन्स स्ट्रक्चर याद कीजिए और उससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करके उसका इंग्लिश अनुवाद करके प्रैक्टिस कीजिए रोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया और प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंस मैंने पढ़ा दिया आपको। अभी बारी है पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। ओके फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट यानी भूतकाल है। इंडेफिनिट मतलब आप जानते हैं अनिश्चित काल, जो अनिश्चित भूतकाल होता है। ओके, तो इसकी पहचान के नियम क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के कोई पहचान के सटीक नियम नहीं होते, एक ही नियम नहीं होता है कि जिसके अंत में ये आए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ऐसा कोई एक ही नियम नहीं है। इसके अंत में कुछ भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, या, ई, खी, ली, दी, कुछ भी आ सकता है, बट उसके बाद है नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने देखा, उसने खा लिया, वो चला गया, वो आया, वो सो गया, इस तरह से जो भी सेंटेंस आएंगे पास्ट की हम बातें करेंगे, बट उसमें है नहीं आएगा। और अमूमन ज़्यादातर सेंटेंसेज में था भी नहीं आता है। था वैसे ही सेंटेंस में आते हैं जिसका था हटा देने के बाद भी सेंस चेंज नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे वो कल खेला, अगर हम बोलते हैं कि वो कल खेला था, दोनों बात एक ही हो गई, तो उसमें हम था लगाकर भी बोल सकते हैं। वरना दूसरे सेंटेंसेस में हम था लगाकर बनाएंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा, फिर वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहचान का उसका कोई सटीक नियम नहीं है, इसके अंत में आ, ली, दी, खी, या, ई ऐसा भी आ सकता है और लास्ट में था भी आ सकता है। था सिर्फ वैसे ही सेंटेंस में आता है जिसका था हटा देने पर भी उसका सेंस चेंज ना हो। वो आ गया। ओके, हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। इसका जो मेकिंग फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह एक इकलौता टेंस है जिसमें वी टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वी टू यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ इसी एक टेंस के लिए बनाया गया है, वी टू का और कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वह आ गया, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वी टू आना का केम, कम केम कम, तो केम हो गया, ही केम। मैंने उसे बुक दी, आई दी मतलब गेव हिम बुक, आई गेव हिम बुक। ओके फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने उसे बुक दी थी, बुक दी थी या बुक दी, मीन्स एक ही चीज हो गई। तो हम आई गेव हिम बुक, वह पटना गया, ही सेकेंड फॉर्म गो का वेंट होता है, ही वेंट टू पटना। ओके फ्रेंड्स, अगर यहां पर हम बोलते हैं कि वह पटना गया था तो यह सेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि वह पटना गया मतलब वो पटना गया, लेकिन गया था इससे ये पता चलता है कि वो शायद अब पटना से आ भी गया होगा, यहाँ पर है लेकिन वो गया था। ओके फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हम गया था नहीं बोलेंगे, गया ही बोलेंगे। वे लोग कल मैच खेले, दे प्लेड,
a match yesterday. अभी यहाँ पर हम वे लोग मैच खेले थे भी बोल सकते हैं, वे लोग कल एक मैच खेले या वे लोग कल एक मैच खेले थे, दोनों के सेंस में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर था थे भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंसेस के अंत में था थे थी नहीं होता है, इतना आप याद रखना। उसने मुझे गाली दी मीन्स उसने मुझे गाली दी, यानी कि उसने मुझे गाली दी थी, दोनों सेंस एक ही हो जाता है, तो हम था थे थी इसमें लगा सकते हैं। तो ही अब्यूज्ड मी, मैं उसे पसंद करता था, पसंद करता था, पसंद करने में और जानना मतलब लाइक और नो, ये दो जो वर्ब हैं, इस तरह का जब वर्ब आता है तो उसमें हम पास्ट इन्फिनिट का इस्तेमाल करते हैं। पसंद करता था, अब ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा या यूज टू लगा कर नहीं बनाएंगे, ये पास्ट इन्फिनिट में ही बनता है। ओके, तो मैं उसे पसंद करता था, आई लाइक्ड हिम, वो मेरे पास आई थी, शी केम टू मी। अब इसको वो मेरे पास आई मतलब क्या, वो तुम्हारे पास आई, हाँ वो मेरे पास आई, या वो मेरे पास आई थी, दोनों का सेंस एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे था थे थी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार और कहना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंसेस के अंत में था थे थी नहीं होता है, हालांकि बोलचाल में हम इनफॉर्मली बोलते हैं, चलता है, लैंग्वेज है, समझ जाते हैं सामने वाले, तो बस काफ़ी है, बट ग्रामेटिकली अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस के अंत में था थे थी नहीं होता है। कुछ एक सेंटेंसेज होते हैं जिसके अंत में था थे थी लगाने से जब उसका सेंस चेंज नहीं होता है तभी हम था थे थी लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन। अभी यहाँ पे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन वर्ड में वी का यानी कि क्रिया का पहला फॉर्म ही लगेगा। ओके फ्रेंड्स, जब भी किसी सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद क्रिया का पहला रूप ही लगता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख लेना, अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो हम नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं गया, ही डिड नॉट कम, डिड लगा दिया इसलिए केम का कम हो जाएगा यानी फर्स्ट फॉर्म। मैंने उसे बुक नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम बुक। वह पटना नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू पटना। वे लोग कल मैच खेले, वे लोग कल मैच नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले अ मैच यस्टरडे। उसने मुझे गाली नहीं दी, ही डिड नॉट अब्यूज मी। मैं उसे पसंद करता था, मैं उसे पसंद नहीं करता था, आई डिड नॉट लाइक हिम। वो मेरे पास नहीं आई थी, शी डिड नॉट कम टू मी। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन यानी वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, क्या वह गया, डिड ही गो, क्या मैंने उसे बुक दी, डिड आई गिव हिम बुक, क्या वह पटना गया, डिड ही गो टू पटना, क्या वे लोग मैच कल एक मैच खेले, डिड दे प्ले अ मैच यस्टरडे, क्या उसने मुझे गाली दी, डिड ही अब्यूज मी, क्या मैं उसे पसंद करता था, डिड आई लाइक हिम, क्या वे लोग मेरे सॉरी क्या वो मेरे पास आई थी, डिड सी कम टू मी। अब इसका अगर हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड में हम सब में एक ही क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, सबको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बस जो इंट्रोगेटिव का नियम हुआ, जो फॉर्मूला था स्ट्रक्चर, उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड बोल देंगे। जैसे वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, मैंने उसे बुक क्यों दी, व्हाई डिड आई गिव हिम बुक, वह पटना कब गया, व्हेन डिड ही गो टू पटना, वे लोग कल मैच क्यों खेले, व्हाई डिड दे
प्ले अ मैच यस्टरडे, उसने मुझे कब गाली दी, व्हेन डिड ही अब्यूज मी, मैं उसे क्यों पसंद करता था, व्हाई डिड आई लाइक हिम, वो मेरे पास क्यों आई थी, व्हाई डिड शी कम टू मी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभी पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैं धीरे धीरे करके पढ़ाता जाऊँगा, एक ही वीडियो में पढ़ाने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, और फिर जो नेक्स्ट क्लासेज में हम इसका आंसर बताते हैं उससे आप टैली भी ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सचमुच में इंग्लिश सीखना है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस तरह से, इस वे से अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आप बहुत जल्द ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।